हाय रे नंद किशोर, वो रायजादा के घर पार्टी और सब मिठाई खराब। कॉन्ट्रैक्ट गया? अरे पैसा भी? अरे नंद किशोर, काहे नंद किशोर, ये सब देख देख के हमरा करेजा ही नहीं गला भी बैठ गया है, का करे। पर चीची, हमें समझ में नहीं आ रहा कि मिठाई खराब कैसे होगी। पता नहीं खुशी, कभी कभी हो जाता है। हो जाता है मतलब? हमने इतने ध्यान से मिठाई बनाई थी। बुआ जी, आपके सामने ही तो बनाया था ना, दूध बिल्कुल ताजा था, बाकी सब चीजें भी सही थी, हमने खा के भी देखा था, फिर खट्टा कैसे हो गया? हाय रे नंद किशोर, तू आज तक जितने कांड की है हमरे सामने ही की है, ये कोई नई बात है? हम सब जानते थे तूने ही कुछ गड़बड़ की होगी। बुआ जी, हाय रे नंद किशोर, क्या करे, बनाने चले थे मिठाई का ताजमहल और बन गया कुतुब मीनार उधार का। ससी बबुआ की दुकान भी गिरवी पड़ी है, क्या करे नंद किशोर। कितनी बार कहा है कि कोनो गलती करो तो घड़ी देख के करो, अब समय से आ जाती तो दुकानिया पे कम से कम ही मिठाई को तो बेच देते। अब देखो, ये देखो, अब तो एक शकल भी बिगड़ गई, ये देखो। नहीं बुआ जी, खुशी ने वहां पर सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, माना कि उन्हीं के रसोई में गुस्से में ढेर सारी जलेबियां बनाई, पर पता है आपको, इसकी जलेबियों की खूब सारी तारीफ हुई वहां पे। क्या करे, सुवर्ण पदक दे दे है? हाय रे नंद किशोर, तोहरी सनक का कोनो अंत नहीं है। सनका देवी हिया भी मिठाई बनाई, हुआ भी मिठाई बनाई, हिया भी पैसा खर्चा, हुआ भी पैसा खर्चा, और कॉन्ट्रैक्ट का पैसा गया गड्ढे में। का करे तोहरा हम, अब तो एक ही काम हुई सकत है। क्या बुआ जी? वो कॉन्ट्रैक्टर को फुरवा लगाओ और उसे कहो, विनती करो कि मिठाइयों का मुनाफा ना सही, कम से कम खर्चा ही दे दे। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि एक भी पैसा नहीं मिलेगा, बहुत गुस्से में था। ये सब तोहरे सनक की वजह से हुआ है नंद किशोर, ऐसा लगता है जैसे कौनो दलदल में फंसते जा रहे हैं, जितना हाथ मारो उतना अंदर। क्या करे, हेलो जी, हम बोल रहे हैं। आप? खुशी जी, हमें बहुत बुरा लगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर। जी, पर आपको कैसे पता? वो क्या बात कर रही है खुशी जी, आपकी आवाज सुनकर हम इतना भी नहीं पहचानेंगे, बताइए भी बात क्या हुई। अब बताने को कुछ बचा ही नहीं है, और ऊपर से हमने बुआ जी के कंगन गिरवी रखे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए खुशी जी, हमें पूरा भरोसा है सब ठीक होगा, हम कल आ रहे हैं, वहां कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे।
तक आप दो चार जलेबियां खाकर अपने चेहरे की मुस्कुराहट वापस ले आइए। और हाँ, अगर बुआ जी डांटे ना तो सुन लीजिएगा, वो कल हम उनको भी समझा देंगे। अच्छा अब रखते हैं। कौन का फोन था? श्याम जी कह रहे थे कि वो कल आएंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और फिर पता है देवी मैया, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया और फिर गुस्से में आकर हमने जलेबी बनाना शुरू कर दिया। एक आप ही तो है ना देवी मैया, जो हमारी इस हंसी के पीछे की परेशानी समझ सकती है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। प्लीज देवी मैया, रातों रात उस कॉन्ट्रैक्टर का इरादा सिर्फ आप ही बदल सकती है। ऐसे कल श्याम जी भी आ रहे हैं पर आपसे ऊपर कोई भी नहीं। और अगर आपने हमारे लिए ये काम किया ना तो आज जो भी बची मिठाइयां है ना कल आपके लिए भोग में चढ़ा देंगे। मजाक कर रहे, आप भी जानती है कि खुशी कुमारी गुप्ता ने देवी मैया के लिए कभी भी बासी प्रसाद नहीं चढ़ा और ना ही कभी चढ़ाएगी। ऐसा क्यों होता है? एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। एक ताला खुलता नहीं है तब तक दूसरी चाबी खो जाती है। शायद जिंदगी को मजा आता है हमें यूं बेबस दिख के। पर यह भी बात है कि हर मुश्किल अपना समाधान साथ लेकर आती है। समाधान आंखों के सामने होता है, सिर्फ जरूरत होती है तो सिर्फ पलक झपकने की। पति पत्नी का रिश्ता जिसे कोई रीति रिवाज, कोई रस्म या चाहे कितने भी पैसे खर्च क्यों ना किए, इस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक तरफ खुशी है, इतनी समझदार, इतनी संभली हुई, हर शब्द मापा हुआ, हर कदम सोचा हुआ। खुशी के लिए कुछ तो समाधान ढूंढना ही होगा। जी ऐसा कोई उपाय जिसमें सबकी खुशी हो? खुशी तुम्हारे पायल का है यहाँ? अब तुम बताओ खुशी कहाँ है? हम कोई खेल नहीं खेल रहे, सच में तुम्हारी एक पायल नहीं है। कहीं छूट गई थी क्या? खुशी कुछ याद आया? पैर में नहीं है तो छूट गई होगी ना, और याद होता तो हम ले ना आते। कहाँ गिर गया होगा? रब्बा